हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल है डेल इंस्पिरोन 5401। ये i5 10th जनरेशन मशीन है। इसमें 4GB का एनवीडिया ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। 14 इंच की स्क्रीन है। इसमें स्क्रीन है, IPS पैनल है। तो हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की और इसके आपकी ये किस क्वालिटी की मशीन होती है, क्या इसमें एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इस मशीन को लेने की। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, मशीन के बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये 5401 मॉडल इसका है, i5 है, 10th जनरेशन है। 256GB इसमें NVMe SSD का ऑप्शन होता है। इसमें दो SSD का इसमें ऑप्शन है। एक छोटे वाली लगती है चिप वाली और एक बड़े वाली जो NVMe होती है आपकी 2.5 इंच वाली, वो लग जाती है। और बात करें हम इसकी स्क्रीन की, तो ये फुल HD आपकी IPS पैनल स्क्रीन है। इसमें फुल HD है। ये वेब कैम की हम बात करें तो वेब कैम भी इसमें 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होता है, फुल HD वाला कैमरा है। और स्क्रीन जो है 14 इंच की स्क्रीन है, IPS स्क्रीन इसमें लगी हुई है। और हम बात करते हैं इसकी कि ये परफॉर्मेंस वाइज इसका कैसा होता है। i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। इसमें हम ऑटोकैड वगैरह का, यदि डिजाइनिंग वगैरह का कोई काम करना चाहे तो वो भी हम इस मशीन में कर सकते हैं। गेमिंग वगैरह तो नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल बेसिक मशीन है। गेमिंग वगैरह जो होती है, अच्छी गेमिंग वगैरह जिस टाइप की करनी होती है, तो RGB कलर वाली जो कलरफुल मशीन होती है उनमें ज़्यादा अच्छी होती है। डेल की जो और सीरीज आती हैं, जैसा कि हम बात करें डेल की जो सीरीज आती हैं उसमें गेमिंग में हम बात करते हैं डेल की G3 सीरीज आती है, वो गेमिंग होती है। जो G सीरीज के लैपटॉप आते हैं वो गेमिंग लैपटॉप होते हैं। तो इंस्पिरोन वगैरह गेमिंग लैपटॉप नहीं होते हैं, होम यूज के लिए होते हैं। और आपका ये आपका ऑफिस वगैरह, जैसे कि आप ऑटोकैड वगैरह या डिजाइनिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, इस टाइप के लैपटॉप होते हैं। तो ये उसी की कंडीशन का 5401 लैपटॉप उसी से क्लास का लैपटॉप है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है, इसकी बॉडी ब्रेक की प्रॉब्लम इस मॉडल में बहुत ज़्यादा आती है। जो ये मॉडल आए हुए हैं इनमें, ये 14 इंच में भी और 15 इंच में भी, ये बॉडी ब्रेक की बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके डिसएडवांटेज जो है इसकी यही है कि इसकी बॉडी बहुत जल्दी टूट जाती है। परफॉर्मेंस वाइज तो इसमें SSD लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आती, हमारी स्पीड वगैरह भी ठीक रहती है। ये सपोर्टिंग जो है 16 से 32GB रैम सपोर्ट कर सकता है। इसमें एक ही स्लॉट होता है, सिंगल स्लॉट ये है, एक इनबिल्ट होती है और एक इसमें हम लगा सकते हैं। तो अब हम बात करें कि प्रॉब्लम इस लैपटॉप में, जो हमारे पास लैपटॉप आया हुआ है उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसमें प्रॉब्लम है इसके कीबोर्ड की, कुछ की काम नहीं करती है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये हम टाइप कर रहे हैं इसमें हमारी, जैसा कि ये ओ काम नहीं कर रहा है, एल काम नहीं कर रहा है, हमारा डॉट काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार इसकी 3-4 की काम नहीं कर रही है। कीबोर्ड की भी इन मॉडल में, जो ये 14 के और 15 सीरीज के 5401 3401 इस टाइप के लैपटॉप आए हैं, उनके कीबोर्ड में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कीबोर्ड भी उनकी प्रॉब्लम कर रहे हैं आजकल। जो हमारे लैपटॉप आजकल के आए हुए हैं, जो मैं बात करूं कि 2020 के बाद या 2021 के बाद जितने भी स्लिम लैपटॉप आए हैं, उनमें बॉडी टूटने की, हमारी बॉडी ब्रेक हो जाती है, साइड से हिंच ब्रेक हो जाते हैं, कीबोर्ड हमारा काम करना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, 1.5 से 2 साल 3 साल। अंडर वारंटी में भी हमने देखा है कुछ कीबोर्ड और कुछ ये बॉडी टूटती हुई, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद रिपेयर किए हैं ऐसी कि अंडर वारंटी में ये हमने रिपेयर किया है। तो इस प्रकार इनमें ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है कीबोर्ड की और आपकी बॉडी की, जो डेल की ये सीरीज आई हुई है। तो इनकी इनमें प्रॉब्लम ये हम खुद फेस किए हैं कि अभी हमारे पास 2-4 दिन पहले एक लैपटॉप आया था 3401, इसकी 15 की सीरीज होती है, जैसे 14 है वो 15 सीरीज है। तो उसमें क्या हो रहा था कि यही इसकी बॉडी अंडर वारंटी में ही टूट गई थी 8-9 महीने में। तो इस प्रकार की इनमें प्रॉब्लम आ रही है इन लैपटॉप्स में। अब हम बात करते हैं अपनी समस्या की, कि हमारी समस्या जो कीबोर्ड में है वो हम कैसे रेजोल्व कर सकते हैं, कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम एक इसमें ऑप्शन होता है कि खोल के साफ करके कीबोर्ड लगा के देख सकते हैं, उससे भी हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा फिर हमें कीबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं कि हम इसका कैसे क्या कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले हम मशीन बंद करते हैं और कोई भी काम करने से पहले, लैपटॉप खोलने से खोल, जब हम आप अंदर खोलते हैं मदरबोर्ड वगैरह पे काम करने के लिए लैपटॉप खोलते हैं, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट सबसे पहले आप कर लेना चाहिए। और हम एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि जो हमने अनुभव किया है, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ बंदे कहीं पे भी ऐसी वैसी जगह कहीं पे भी दिखा लेते हैं, कुछ ऐसी जगह नहीं दिखाते जो बिल्कुल
आप ऑनलाइन वगैरह सर्च करो उनके बारे में, इन चीजों में सर्च करो, तो आप जाओ तो सर्टिफाइड जगह ही आपको जाना चाहिए। आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आप कहाँ काम करा रहे हो, कैसा बंदा काम करता है, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए अपने उसमें। हमारे पास कई एक्सपीरियंस आए कि हमने नेहरू प्लेस गए थे, हम इधर उधर उन्होंने बताया है, कोई बंदा गया कि उसने बोला कि 500 रुपए में लैपटॉप का मदरबोर्ड रिपेयर हो जाता है, फिर वो दोबारा आया तो उनका ऐसा हो गया कि वो कहीं भी नहीं कर पाए। तो इन चीजों से बचे, आप जाए अच्छी जगह ही लैपटॉप रिपेयर कराएं, उनका बैकग्राउंड चेक करें, ऑनलाइन जाके टेस्ट करें कि भाई बंदा कैसे काम करता है, क्या काम करता है, सब चीजें आपको ऑनलाइन उनके बारे में पता पढ़ के ही आपको जाना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि बंदा जाता है और वो और ज्यादा गड़बड़ करा के लेके आ जाता है कि जो चीज होने वाली होती है वो ऐसी हो जाती है कि हो भी नहीं पाती है। तो इस चीज से भी आप बचे, जहां भी जाए ऑनलाइन कोशिश करें कि घर पे ना बुलाएं, कि भाई किसी दुकान पे ही जाके कराएं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कुछ होता है कि भाई घर पे बुला लिया, लेके चला गया, उसने क्या करा क्या नहीं करा, इस टाइप की भी बहुत आजकल समस्याएं चल रही है। तो हम अपनी मशीन पे आते हैं, अपनी मशीन की बात। ये आप देखोगे हमारी मशीन खुल गई है, जो हम SSD की स्टार्टिंग में आपको बताए थे, ये छोटे वाली SSD लगती है, ये भी NVMe है पर छोटा साइज है। यहाँ पे इसकी एक बड़ी SSD भी, इसमें आप लंबे वाली जो 2.5 इंच वाली होती है वो लगा सकते हैं। और काम करने से पहले हम आपको बताते ही हैं कि आपको बैटरी डिसेबल कर लेनी चाहिए, बैटरी को हटा लेना चाहिए, वही हमने हटा लिया, बैटरी बाहर निकाल लेते हैं। पहला जो स्टेप है हमारा कीबोर्ड यदि काम नहीं कर रहा है, वो होता है कि हम कीबोर्ड जो होती है हमारी, इसको निकाल के थोड़ा सा हाथ से साफ करके या कोई IP वगैरह लेके उससे साफ कर सकते हैं आप, जैसा IP होता है, और उसके पॉइंट पे बहुत हल्का सा लगा के रखना होता है, क्योंकि जो ये पॉइंट होते हैं ज्यादा टाइट हाथ मारोगे तो पॉइंट खराब होने का भी चांस रहता है कि कीबोर्ड की और कंडीशन चेंज हो जाए। तो अब हम चेक करते हैं, हमने कीबोर्ड को साफ करके लगाया है, बैटरी हम अभी नहीं लगा रहे हैं, चार्जर पे इसको यूज करेंगे, क्योंकि बैटरी अब नहीं लगानी चाहिए जब तक हम कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि हमें बार बार बैटरी हटाना लगाना पड़ता है, इससे अच्छा है कि हम बैटरी ना। ये हमने ऑन कर दिया है चार्जर पे हमारी मशीन ऑन हो जाती है, बैटरी लगाने की जरूरत नहीं आती है, तो बैटरी ना लगाए, खाली चार्जर पे ऑन करें मशीन को, और हम अपना कीबोर्ड चेक करते हैं कि हमारे कीबोर्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से, खुली हुई मशीन है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमें इसको, ले आओ सर आगे टाइम में थोड़ा। हम देखते हैं हमारी O काम नहीं कर रही थी, L काम नहीं कर रहा था, डॉट काम नहीं कर रहा था, तो वो हमारा नहीं काम किया, तो इसका मतलब हमें कीबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। और हम आपको दिखाते हैं कि इसका कीबोर्ड हम कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए ये हमें पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है, और लैपटॉप खोलने के लिए ध्यान रहे हमेशा, बहुत ही ध्यान से खोलना चाहिए, क्योंकि हमारी ये रनिंग मशीन है, जरा सा भी कुछ हो जाए तो खराब हो जाता है काम। ये बैकलाइट में हमारा कीबोर्ड है, तो ये हमारी बैकलाइट की इसका कनेक्शन है, जो हमारे कीबोर्ड का बैकलाइट होता है वो है ये हमारे कीबोर्ड का कनेक्शन है, केबल जो है, ये जो केबल गई हुई है, ये केबल्स जो है कैमरे, ये आपकी हमारी साउंड, ये स्पीकर की हैं, ये जो हमारा है ये वाईफाई है, ये वाईफाई का एंटीने के हैं, ये देखोगे एंटीने के बिना हम आपको बता देते हैं कि हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमें एंटीना तो लगाना ही चाहिए। यदि हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ की यदि हम प्रॉब्लम कर रही है तो हमें अपना एंटीना चेक करना चाहिए कि हमारा एंटीना तो खराब नहीं है। ये हमारी SSD है छोटे वाली, बिल्कुल आप देखोगे वाईफाई की तरह है, पर ये जो है कि हम आपको बता दें 512 GB है, एक बार फोकस करो सर इस पे 512 GB पे, तो एकदम बिल्कुल वाईफाई हाईनेक्स की है, SK हाईनेक्स की 512 GB इसमें SSD है।
बड़े ध्यान से खोलना चाहिए, हम फिर यही बात बताएंगे, क्योंकि हमारी मशीन जो है रनिंग मशीन है, ये हमारा डीसी जैक है इसका। ये हम स्क्रीन और मदरबोर्ड अलग अलग कर लेते हैं। ये आप देखो हमें हमारी स्क्रीन अलग हो गई है, स्क्रीन वाला हिस्सा, क्योंकि हमारा कीबोर्ड जो है ये पूरा खोलने के बाद ही निकलता है, तो ये हमने अब अलग कर लिया है इसका हिस्सा। ये हमारा फैन है, आप देखोगे कितना कॉम्प्लिकेशन होता है इसको खोलने में, तो इसलिए इनको हमें बड़े ध्यान से खोलना चाहिए, या किसी स्पेशलाइज पे ही ये चीजें हमें खुलवानी चाहिए। ये हमारी टच पैड वाली केबल है जो मदरबोर्ड से टच पैड पे जाती है। ये हमारा मदरबोर्ड है इसका। ये आप देखोगे मदरबोर्ड 5401 लैपटॉप का। ये हमारा कीबोर्ड आ गया, खाली कीबोर्ड इस पे रह गया है। ये सीमोस सेल का कनेक्टर होता है, ये हमारी सीमोस सेल है। ये ऑन ऑफ का इसका सर्किट है, ये ऑन ऑफ की केबल यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ पे आ रहा है, तो ये यहाँ से इसको पावर लेता है मदरबोर्ड से, इस कनेक्टर से, फिर ये यहाँ पे मदरबोर्ड वाला कनेक्टर है, फिर ये यहाँ पे आता है। ये हमारा डीसी जैक, तो ये हमारा कीबोर्ड है जो हम कीबोर्ड इसमें फिट कर रहे हैं। तो हम दिखाते ही हैं कि ये नया कीबोर्ड है इसका, और कि ये आयरन से लगता है, इंटरनल होता है इसके, लॉक होते हैं प्लास्टिक वाले, तो वे हमें आयरन से ही दोबारा बनाने पड़ते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं, और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं।